हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 9 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। बोला गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू, हमें जो नंबर दे रखे हैं हमें इनके 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट दिखाने हैं। रैशनल नंबर होते क्या हैं पहले वो समझ लो। वो नंबर जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होता, कुछ भी होगा 1 2 3 4 5 6 बट 0 नहीं होगा, फ्रैक्शन फॉर्म होगी, उसे कहेंगे हम रैशनल नंबर। हमें दे रखा माइनस का 2/7, इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर मेंशन करने हैं। ठीक है, पहले नंबर तो ये खुद ही हो गया, ठीक है ये तो है। हमें इसके अलावा और बताने हैं 4 नंबर और, तो सिंपल सा तरीका है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 2 से, ऊपर भी और नीचे भी। 2 2 4 7 2 14 पहला नंबर हो गया। इसी नंबर को पहले 2 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर कर दो 3 3 से, 3 2 6 7 3 21। दूसरा नंबर हो गया माइनस 2/7 को मल्टीप्लाई कर दो 4 4 से, 4 2 8 7 4 28। माइनस 2/7 को मल्टीप्लाई कर दो 5/5 के साथ, 5 2 10 7 5 35। तो यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या लिखूँगा मैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर। पहला कौन है माइनस का 4/14, दूसरा माइनस का 6/21, तीसरा माइनस का 8/28, चौथा माइनस का 10/35। ठीक है, इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, ये मैंने आपको एक करके दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे यहाँ लिखता हूँ मैं 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर। अब हमारा अगला नंबर कौन है, 4/9 है ना, इसके इक्विवेलेंट नंबर बताने हमें, तो सिंपली आपको 1 2 3 4 नंबर बताने हैं। दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई गया, 4 2 8 9 2 18, 3 से किया 3 4 12 3 9 27, 4 से किया 4 4 16 4 9 36, 5 से किया 5 4 20 5 9 45। आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो मल्टीप्लाई इस तरीके से करो, थोड़ा लेंथी हो जाता है, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक, तीसरा पार्ट हमारा यहाँ पे भी हम वो लिखना है 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर। अगला हमारा है, अच्छा मैंने ये तीसरा पार्ट कर दिया पहले, सेकंड पार्ट हमारा है, ये सेकंड हो जाएगा। ये दे रखा है 5/-3, इसका बताना है। पहले दोनों को 2 से किया 2 5 10 2 3 6, 3 से किया 3 5 15 3 3 9, 4 से किया 4 5 20 4 3 12, 5 से किया 5 5 25 5 3 15। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रो द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर, हमें इन नंबरों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट हमारा है 3/4 का, ठीक है, तो पहले मैं लाइन को ड्रो कर लेता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया है, जो हमारी राइट हैंड वाली साइड में इसमें हमेशा नंबर हमारे बढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड वाली साइड में हमेशा नंबर हमारे घटेंगे। करने का तरीका, जैसे मैं 3/4 दे रखा है, इसके डिनोमिनेटर में कौन है 4, तो यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया 4/4, इसका मतलब होता है 1। 4 में 4 का डिवाइड दें कितना आएगा, 1 आएगा। इधर हमारे नंबर हमेशा बढ़ेंगे, ये 5/4, ये हमारा 6/4, 7/4, 8/4, 8 में 4 का डिवाइड दें कितना आ जाएगा 2, 9/4। इस तरफ हमारे नंबर बढ़ेंगे, इधर घटेंगे 3/4, 2/4, 1/4 या 0/4। 0 में 4 का डिवाइड देंगे 0, तो हमारी नंबर लाइन क्या होती है 0 1 2, इधर नंबर बढ़ रहे हैं उधर नंबर हमारे घट रहे हैं। हमें किसको शो करना है 3/4 को, तो देखो 3/4 हमारा ये रहा, जो किसके बीच में आएगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर सेकंड को। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट 5/8 दिखाया, लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट बताया, यहाँ पर नंबर हमेशा बढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नंबर हमेशा घटेंगे। नीचे ग्रेड दे रखा है, आप कोई भी एक नंबर चूज़ करो, जैसे मैंने यहाँ चूज़ किया
ये नेगेटिव का है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 8/8। इसका मतलब क्या होता है, 8 में 8 का डिवाइड देंगे, माइनस का 1 निकल के आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉरी ऊपरी माइनस आ गया, एक ही माइनस होता है, ठीक है, हमारे इधर नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अब माइनस में थोड़ा उल्टा हिसाब चलता है, बढ़ने का मतलब होता है माइनस का 7/8, माइनस का 6/8, माइनस का 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, माइनस का 1/8, फिर 0/8। 0 में 8 का डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 0, फिर इसके बाद में कौन शुरू हो जाएगा हमारा 0 के बाद में 1/8 शुरू हो जाएगा, और इधर हमारा कितना होगा माइनस का 9/8, 10/8। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खाली 2-4 नंबर में ही दिखा के इसको शो कर सकते हो, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 में 8 का डिवाइड देंगे कितना आंसर आ जाएगा माइनस का 2। तो हमारी जो नंबर लाइन है कुछ ऐसी है, 0, -1, -2, इधर नंबर हमारे कंटिन्यू घटते जा रहे हैं और इधर हमारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, हमें दिखाना माइनस का 5/8, तो 5/8 हमारा ये नंबर होगा, ठीक, माइनस का 5/8, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट तीसरा पार्ट हमारा है माइनस का 7/4, यहाँ मैंने नोट कर लिया, नीचे 4 दे रखा है, तो मैंने एक पॉइंट लिया जहाँ पे रखा माइनस का 4/4, 4 में 4 का डिवाइड देंगे कितना आता है माइनस का 1। इधर नंबर हमारे बढ़ेंगे, बढ़ने का मतलब माइनस में उल्टा चलता है, माइनस का 3/4, माइनस का 2/4, माइनस का 1/4, फिर 0/4, 0 में 4 का डिवाइड देंगे कितना आ जाता है 0, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4 में 4 का डिवाइड देंगे कितना आता है 1 निकल के आता है। इधर नंबर हमारे घटेंगे, माइनस का 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4। देखो 8 में 4 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, हमें पूछा माइनस का 7/4, तो हमारा माइनस का 7/4 ये रहा। अब हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 को। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 हमें दे रखा है 7/8। 7/8 को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो क्या होगा, नीचे कौन दे रखा है 8, तो यहाँ लिखा मैंने 8/8, 8 में 8 का डिवाइड देंगे 1 आएगा। इधर नंबर हमारे बढ़ेंगे, 9/8, 10/8, 11/8, 12, 13, 14, 15, 16। सबके नीचे कौन होगा 8 होगा। अब देखो 16 में 8 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इधर नंबर हमारे घटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 7/8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सबके नीचे कौन होगा 8 ही रहेगा, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8। 0 में 8 का डिवाइड कितना आ जाएगा 0। तो देखो हमारी नंबर लाइन क्या हुई, नंबर लाइन 0, 1, 2, इस तरीके से कंटिन्यू हमारी राइट साइड में बढ़ रहे हैं और लेफ्ट साइड में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हमें पूछा 7/8, तो 7/8 हमारा ये, 7/8 हमारा ये हो जाएगा। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।